हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। ए पैसेंजर क्या कर रहा है, मूविंग ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है और उसने कॉइन को टॉस करा है। व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, और वो कॉइन का हुआ उसके पीछे जाकर गिरा है। फ्रॉम दिस इंसिडेंट व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट अबाउट द मोशन ऑफ द ट्रेन। ये जो इंसिडेंट हुआ है उससे हम ट्रेन की मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या हमारे प्रिडिक्शन है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्या है, ये हमारी ट्रेन का फ्लोर है, ये ट्रेन है हमारी, और ये क्या हो रही है, वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है अपनी, आराम से ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है जिसने कॉइन को टॉस करा। ये कॉइन है हमारा, दिस इज कॉइन। कॉइन को टॉस करा गया है। अब कॉइन को हम वर्टिकली तो टॉस कर नहीं सकते, हॉरिजॉन्टली टॉस होगा वो, तो इसको वर्टिकली टॉस करा है, ऐसे गया और कॉइन जो है पर्सन के पीछे जाकर गिर गया। ये पर्सन के पीछे जाकर गिर गया कॉइन, राइट, यही सिचुएशन हुई है। अब हमें बताना है कि कॉइन जो है वो पीछे जाकर गिरा, तो इससे ट्रेन का जो है हमारी, दिस ट्रेन, ट्रेन के मोशन के ऊपर क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ट्रेन का मोशन कैसा है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्सेलरेटेड मोशन, अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करें तो ये मोशन कब आएगा किसी भी बॉडी के अंदर, जब उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी होगी। क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, तभी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और चेंज इन वेलोसिटी ये नहीं नेगेटिव में हो जाए वेलोसिटी का चेंज, चेंज आना चाहिए किस तरीके से, इंक्रीज में, कि ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। अगर हम इसके इसके अंदर बात करें तो ट्रेन की वेलोसिटी को इंक्रीज होना चाहिए, तभी वह एक्सेलरेटिंग मोशन शो होगा। सो नाउ लेट्स सी, ये हमारी ट्रेन है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये कौन है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिकॉज हमने आज तक नहीं देखा होगा ट्रेन कभी वर्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ये क्या है, हमारी ट्रेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, हमें मेजर नहीं पता, सिर्फ इतना पता ट्रैवल कर रही है। अब एक पर्सन ने क्या करा, कॉइन को जिस पॉइंट पे टॉस करा, इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट के ऊपर बस कॉइन को टॉस करा गया है, जब तक उसने हाइट अटेन नहीं करी है, जब तक वो किस हाइट के ऊपर नहीं पहुंचा है, जब तक वो इस हाइट के ऊपर नहीं पहुंचा है कॉइन, तो इस इंस्टेंट के ऊपर जो ट्रेन की वेलोसिटी है और जो कॉइन की वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए थी, सेम होगी, बिकॉज एग्जैक्टली एट दिस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट के ऊपर कॉइन टॉस हुआ है वो सेम वेलोसिटी होगी, एक ही मोशन के अंदर जा रहे हैं, एक ही स्पीड से ट्रैवल हो रहा है, सब कुछ एक ही डायरेक्शन है। बट जो हमारा कॉइन है ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा होता तो कॉइन हमारा पीछे जाके नहीं गिरता। कॉइन क्या हुआ, हमारा पीछे जाके गिरा है, फॉल बिहाइंड हुआ, ये पीछे ही गिरा है, क्वेश्चन के अंदर तो हमें यही गिवन है। तो ऐसा गिरा क्यों हुए, अगर हम देखें तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर। क्या आया है, चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज किसके चेंज आया है, चेंज आया है ट्रेन की वेलोसिटी में, ट्रेन की, वो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है। अगर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीजेस, तभी कॉइन क्या हुआ, पीछे रह गया, बिकॉज उसकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी से कम रही, इसलिए वो जाके क्या हो गया, पीछे गिर गया, वरना वो आगे गिरता अगर ट्रेन की वेलोसिटी कम होती तो। बट इस केस के अंदर क्या हुआ, वो फॉल बिहाइंड हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन की जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हुई है, दैट मींस यहाँ पे हमें एक्सेलरेटेड मोशन शो हुई है। क्या शो हुई है, एक्सेलरेटेड मोशन हुई है हमारी ट्रेन की, एक्सेलरेटेड मोशन, इसी वजह से कॉइन क्या हुआ, हमारा पीछे गिरा है, राइट। सो व्हाट वी कैन से, that our correct answer is accelerated motion. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.